कि आज कौन से कौन से से थे, क्या ट्रेड्स दिए गए थे टू द प्रीमियम यूजर्स एंड अलोंग विद डेट कल के लिए कौन से हम ट्रेड्स फोकस पे रख सकते हैं कि एक प्रोबेबल ट्रेड्स बन सकते हैं गोइंग बाई जो हमने कल स्विंग ट्रेड्स डिस्कस किए थे उनमें भी क्या पॉसिबिलिटी uh, है तो आज बेसिकली जो लाइव सेशन में आज डिस्कशन किया गया था एंड अलोंग विद दैट कौन से रेड आपको बिफोर द मार्केट आज भी दिए जाते हैं तो ट्रेटलो प्रीमियम यूजर्स को बेसिकली बिफोर द मार्केट आज कुछ स्टॉक्स हम प्रोवाइड करते हैं ऑन द ब्रेकआउट फ्रंट तो जैसे आप देख सकते हो विप्रो हो गया यूपीएल हो गया सो दीज स्टॉक्स फॉर गिवेन टू यू बिफोर द मार्केट तो उन्होंने कैसे परफॉर्म किया कहाँ पे आपकी रिस्क रहनी चाहिए कहाँ पे आपको बेसिकली आपका टारगेट पॉइंट होना चाहिए ये सब हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली और भी जो स्टॉक्स हमारे आज लाइव सेशन में डिस्कस किए गए थे उनके बारे में भी समझेगा कि ये क्या बेसिकली साइकोलॉजी थी तो आज अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टॉक आपका था विप्रो तो विप्रो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट था यहाँ पे रेड बॉक्स के ऊपर बाइंग जोन थी तो रेड बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स आपको पता है ये बेसिकली आपकी हेवी सेलिंग जोन हो जाते हैं तो अगर सेलर्स ट्रैप आउट हो जाता है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़े टाइम फ्रेम पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को समझेंगे कि क्या है आप देख सकते हो ये फॉलो अप सेल ऑफ आ रहे हो और बाद में मैक्स मैक्सपुट ओवाई लेवल पे मतलब काइंड ऑफ अ सपोर्ट जो हमने स्विंग ट्रेडिंग फॉर्मेट में कल देखा था कल के वीडियो में अगर आपने नहीं देखा होगा तो इट वॉज शेयर विद

स्टॉक ट्रिगर होता है आपका साइडवेज हो जाता है जिन्होंने अगर एस एल किया होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी, भी आप ट्रेड करोगे तो एस एल एंड एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द गेम तो अगर आप देखोगे तो ये आपकी अगर एंट्री प्राइस बन जाती है तो एक्जैक्टली exactly जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था तो टू पॉइंट्स का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको देना होगा क्योंकि देखो अगर यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे मूव आउट हो रहा है आपके फेवर में बट इफ इट इज नॉट गोइंग देन ऑब्वियसली इट इज नो

Co-Force and and जब आप देखोगे तो सेम फॉर्मेट है बैंड का है 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 तो 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 अगर आप देखोगे तो आपने भी बैंड मतलब सेलिंग जोन है. सेलिंग जोन जब भी समझा मतलब करता है, तो ट्रैप हो जाते हैं आपके मेजर के है। और उसके कारण क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट देखने मिल जाती है तो सेम फॉर्मेट जो आज आपको मैगडोलैंड में बताया गया था विप्रो में बताया गया था तो इट इज एज पर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और ये सारे स्ट्रक्चर आपको लाइव सेशन में एज अ प्रीमियम यूजर

एंड बेसिकली एस एल के साथ अगर आप देखोगे तो एस एल आपका इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ग्रीन डॉट्स भी आ गए तो अगर आपने ग्रीन डॉट्स का वीडियो देखा होगा तो ग्रीन डॉट्स में आपको वेट करना होता है फॉर अ पीरियड ऑफ थर्टी मिनट्स तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वीडियो जब आप कंसेप्ट समझोगे तभी आपको क्लैरिटी आएगी तो How to trade, red and green dots, आपको एक वीडियो प्रोवाइड की गई थी आपके ग्रुप में जहां पे बेसिकली आपको समझता है कि जाते हैं। सेम चीज हम बेसिकली लाइव सेशन में डिस्कस करे थे अभी इन फेवर जब भी आप रेड बॉक्स या रेड बैंड को ट्रेड कर दे तो यू नो दैट दिस इज रेड बैंड दैट इज दिस इज सेलिंग जोन अगर यहाँ पे सेलिंग जोन ट्रैप हो जाते मेजर क्वांटिटी में जो सेलर्स है जिनकी व्यू बेरिस्ट थी अगर ये लोग ट्रैप होते तो अपोजिट साइड में हमेशा आपके स्टॉक्स फेवर में चलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ती है न ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम डोंट ट्राई टू मेक इट कि हंड्रेड परसेंट ये चलने वाला है तो दिस इज द मेजर इशू मेनी यूजर्स थिंक कि अरे सर ये तो आज चला नहीं ये नहीं चला सो सी आई नीड दो स्टॉक्स विच विली वर्क सिक्स टू एट टाइम्स क्योंकि अगर आपके फेवर में उतना भी चलेगा तो ब्रेकआउट के दिन पे यू विल गेट दैट बेस्ट केस सिनेरियो सेम वे जहां पे भी आप स्टॉप लॉस करोगे मेक श्योर sure आपका स्टॉप लॉस छोटा हो अगर मैं समझो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करता हूँ तो माई स्टॉप लॉस इज ओनली एट पॉइंट अगर आप विप्रो देखोगे जो विप्रो ने आपका जो स्टॉप लॉस हिट किया होगा तो विप्रो इफ यू अंडरस्टैंड तो विप्रो में आई डोंट हैव टू कीप ऑन होल्डिंग नहीं कल जाएगा परसों जाएगा देखो अगर नहीं जाता है तो ऑब्वियसली यू नीड टू स्टार्ट एग्जिटिंग योर ट्रेड्स यू नो दैट यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है अभी प्रॉब्लम विद विप्रो एंड व्हाई विप्रो डिड नॉट वर्क इन योर फेवर इज बिकॉज योर स्टॉक स्टार्टेड आपका जो स्टॉक का जो जर्नी स्टार्ट हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऑलरेडी यहाँ पे तीन पॉइंट की मूवमेंट आ गई थी फिर एक पुल बैक आता अभी पुल बैक आने के बाद क्या होता है कि आपका जो पुल बैक का जो रिस्क था दैट वॉज अराउंड टू पॉइंट का सो टू पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड अगर यहाँ से आपका अगर स्पाइक में एसल हो जाता है ग्रीन डॉट्स के नीचे देन यू नीड टू एग्जिट योर ट्रेड वाई बिकॉज Never try to hold. अगर आप होल्ड करते हैं तो like हमें आपका कंफर्म ब्रेकआउट हो गया यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो जाएगा स्टॉक ऊपर नहीं जाता है तो माइंड बीस साइडवाइज रहेगा या तो आपका एस एलिट हो जाएगा तो एस एल आपका प्रीडिफाइंड होना इज द अटमोस्ट थिंग इन ट्रेडिंग अगर आप एस एल नहीं फॉलो करें तो प्लीज डो नॉट कम इन टू रिटर्न नहीं जनरेट कर पाओगे दैट इज द गेट एक दो बार आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे बट अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो प्रॉपरली देन इट इज नॉट द बेस्ट सीनैरियो टू ट्रेड तो सेम चीज अगर आप देखोगे तो मैगडो लेंड में साइडवेज हो जाता है उसके साथ अगर आप देखोगे प्लान करोगे तो रेड बैंड के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है तो जैसे आपको स्ट्रक्चर दिया जाता है व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पे जो हम यूजली डेली बेसिस पे इन दी मॉर्निंग जैसे आप समझ सकते हो शेयर करते हैं तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हमेशा रेड बैंड के नीचे होगा और ये हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए क्यों फॉलो अप रख रहे हैं बिकॉज द प्राइजेज है मार्केट आज तो बिफोर द मार्केट आज मतलब प्रीवियस टू थ्री डेज के लिए रेंज बाउंड चल रही है प्राइस राइट सो सेम वे प्राइस साइडवाइज चल रही है ब्रेकआउट आ जाता है यहाँ पे अभी आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा इसके अंदर इस लेवल के नीचे रेड बैंड के नीचे अभी रेड बैंड के नीचे आज प्राइस गया क्या नहीं गया ठीक है सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हैपन बहुत सारे केसेस ऐसे आ जाएंगे आपके गोइंग एड में जहां एसेल होगा बट जहाँ पे भी एसेल होगा दैट टाइम यू आर गिविंग ओनली हाफ असेंट एल और जैसे आप बताया कि जैसे प्राइस आपके फेवर में मूव करते हैं ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट ट्रेलिंग और यहाँ पे ग्रीन डॉट्स का कंडीशन हो गया सारे कंडीशन आपके फेवर में जा रहे थे वन मोर सच स्टॉक इज कफोर्स विच इज ऑब्वियसली फ्रॉम दी आई टी इंडस्ट्री वन सेकेंड बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टॉक भी आपका लाइव सेशन में डिस्कस किया गया था

सेम फॉर्मेट वी आर प्लानिंग टू गो स्विंग ऑन बजाज बजाज नहीं हुआ है साइडवाइज है मार्केट ठीक है फेर इन जितना साइडवाइज रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है अगर इसी पर्टिकुलर जोन में रह जाता है मैक्सपुट तो हो, है, हो है. जैसे हमने इन डिटेल हमारे स्विंग ट्रेडिंग के सेशन में डिस्कस किया था प्रीमियम यूजर्स के साथ उस समय आपको समझा होगा की अगर ये रेड बॉक्सिस टेकआउट हो जाते हैं मतलब अगर ये सेलिंग जोन टेकआउट हो जाते हैं ओ आई लेवल ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये लोग भी आपको Push करेगा आपकी प्राइस के लिए तो यू नीड टू रिस्पेक्ट दी एस एल एस वेल इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम अतुल जी येड एप इज अंडर डेवलपमेंट मोस्टली बाय दिवाली और uh, उधर तक आपको मोबाइल वर्जन मिल जाएगा वेब वर्जन विल बी मेड अल दीमियम यूजर्स अकॉर्डिंगली Uh, which scanner gave n स्कैनर गेव मैगडोल एंड सो मैगडोल एंड बेसिकली आफ्टर मार्केट रेड एंड ग्रीन बैंडर सो जो स्टॉक्स लाइव सेशन में डिस्कस किए जाते हैं दैट आर ऑलरेडी देयर इन दफ्टर मार्केट स्कैनर तो रेड एंड ग्रीन बैंड जो स्कैनर होता है आपको ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स बताएगा की कौन से ट्रेड आपके ब्रेकआउट फॉर्मेट में तो दो ही स्टॉक थे इसके अंदर इनप्योर रेड एंड ग्रीन बैंड में मैगडोल इन्फी में ऑब्वियसली रेडमैंड के ऊपर अभी आर प्लानिंग टू बाय क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक फॉल एंड डाउन है तो सेलिंग के लिए इतना स्कोप नहीं बचेगा इसमें तो इट विल बी देर इन दैट पर्टिकुलर लेवल आज इंडेक्स में अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में तीनों में ही आपको रेड एंड ग्रीन डॉट्स नहीं मिले थे क्यों क्योंकि आज देखोगे तो फॉलो थ्रू ऑलमोस्ट साइडवेज था अभी आप समझो कि रेड एंड ग्रीन डॉट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रेड एंड ग्रीन डॉट्स एक आप कोलिड कंडीशन है आपकी और उसके बेसिस पे बेसिकली आपको ये डॉट्स जनरेट होते हैं अभी रेड एंड ग्रीन डॉट्स क्या है कि जब भी प्राइजेस मतलब जब भी ओपन इंटरेस्ट वहां पे स्पाइक होने वाला है जब भी चेंज इन स्पाइक होगा तब वो बेसिकली आपके चार्ट जनरेट होते हैं। आज अगर वहां पे उतनी वॉल्यूम जनरेटेड नहीं है तो इट विल नॉट कम इन एनी ऑफ द इंडेक्स सो दैट इज द थिंग टू नोट डाउन तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर रेड ग्रीन डॉट्स नहीं है अगर कोई लेवल्स नहीं है प्रॉपर्ली तो ऑलवेज अवॉइड सी एज अ ट्रेडर यू डोंट हैव टू ऑलवेज गो ऑन द बाय साइड आईडिया साइड और एकदम सिंपल अगर आप ट्रेड के चार्ट ट्रेड करो तो ऑलवेज लुक एट द रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस क्योंकि ये तो आपके चार्ट पे ऑलरेडी अवेलेबल हो गए सेलर्स और बायर्स के जोन ऑलरेडी आपको अवेलेबल हो गए जस्ट आपको ये सारे लेवल्स बिफोर द मार्केट आर समझ जाते चार्ट पे तो भले आप कोई भी स्टॉक देखो इंडेक्स देखो उसमें ये लेवल्स हो गए तो वी वॉट वी डू इज ऑलवेज बाय अबाउट द रेड बॉक्स एंड सेल बिलो द ग्रीन बॉक्स वेन एवर द प्राइजेस आर साइड वेज तो डोन्ट ट्राई टू क्लब रिवर्सल एंड ब्रेकआउट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्पेसिफिकली हम तभी ट्रेड करेंगे जब प्राइस साइडवेज है लास्ट दो तीन दिन से तीन चार दिन से अगर साइडवेज है प्राइस तो वी गो ऑन द बाय साइड ऑलरेडी आपको सेटअप पता है कंसोल्टेशन जोन बाय अबाउट द रेड बॉक्स तो अगर आप निफ्टी भी देखते हो तो एक दिन पहले आपको ये बॉक्सेस मिल जाते हैं बैंड मिल जाते हैं जोन मिल जाते हैं तो आपको पता चलता है कि नाइनटीन थाउजेंड एटी एट जोन जो है वो उसके नीचे ही सेलिंग आ सकती है या बाइंग नाइनटीन थाउजेंड टू थर्टी एट जोन उसके ऊपर सो बेसिकली वी आर प्लानिंग टू टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेड एंड अकॉर्डिंगली ठीक है अभी यहाँ पे जब भी प्राइजे स्टार्ट होती है तो आप देख सकते हो उसके बाद ही यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग चल रहा है स्लो एंड स्टेडी सेलिंग चल रही तो आपको एज एन ऑप्शन माइर वी दैट मच प्रोफिटेबल बट यहाँ पे आज वॉल्यूम भी नहीं था तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेड ग्रीन डॉट्स नहीं आतेम तो अगर आप रेड एंड ग्रीन बॉक्सिस के साथ भी ट्रेड करें तो भी इट इज फेरी नफ बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यू नीड टू अंडस्टैंड की कहा पे ब्रेकआउट ब्रेकआउट लेवल है तो आपको और भी अच्छे से ट्रेड आपके प्लान आउट कर सकते हैं अगर तो उस में भी आप ट्रेड क्लू के प्रीमियम यूजर्स को दिया गया था और उसमें बेसिकली आपका ट्रेड इनिशिएट नहीं होता क्योंकि सेम फॉर्मेट था ये रेड बॉक्स के ऊपर बाय 544 लेवल ऑब्बियसली एग्जीक्यूशन प्राइस नहीं आई तो वी कैन लुक टू गो एड बाद में में हम चेक कर सकते हैं गोइंग नेक्स्ट डेज अगर इसके जा तो कर सकते हो जो आपको आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक थर्टी मिनट स्टार्ट कंटिन्यूअस सेलिंग आ रही है अभी आप समझो रिवर्सल आपको ट्रेड प्ले आउट करने हैं इन आइशर मोटर सो व्हाट कैन बी योर प्लान सो योर प्लान शुड बी बेसिकली रिवर्सल हाँ ट्रेड क्योंकि मतलब नहीं है रिवर्सल आपको कैसे प्लान करना है कि अगर प्राइस वन वे फॉल हो रही है तो वॉच आउट फॉर अ मेजर सपोर्ट लेवल तो इट कैन बी अ ग्रीन बैंड इट कैन बी अस पुट ओ आई लेवल ठीक है जहाँ पे रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी एंड सेम चीज आपको लाइव सेशन में डिस्कस की गई थी तो यू कैन can... नोट डाउन ऑफ दिस तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेंडलाइन ब्रेक डाउन ब्रेकआउट फॉर्मैट मिल जाता है तो यू कैन अंडरस्टैंड द बाई एक्जिक्यूशन इज डबल बॉटम या तो ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट क्योंकि ये बुलिस चार्ट पैटर्न है और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड्स आपके प्लान करने तो so, यहाँ पे आप देख सकोगे तो इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे मैक्सपुट वाय बेसिकली बना पड़ा है अभी ये आपका एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन बना रहा है नॉट स्टीप बट राउंड फिगर लेवल भी है तो यहाँ पे प्राइजेस आने दीजिए फिर ये आपका अपसाइड और समझो अगर कल जाके यहाँ पे रेड बॉक्सिस या कुछ भी रेड बैंड बन जाता है लेवल बन जाता है तो इट विल बी एन एडिड एडवांटेज इन योर फेवर सो एज अ ट्रेड टू यूजर आप अगर नए यूजर हो तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप अगर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो ऑलवेज गो अहेड विद रेड एंड ग्रीन बॉक्स फॉर्मेट इजियर टू ट्रेड है स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी फॉर्मेट दिए गए हैं स्टॉक कहाँ से मिला आपको आफ्टर मार्केट स्कैनर में रेड ग्रीन बैंड सर्च करना है रिजल्ट में आपको दिख जाएगा मार्केट शुरू होने के पहले ये स्कैनर आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के स्टॉक्स आपको देखने हैं कौन से स्टॉक्स साइडवेज है तो ये भी आप चेक कर सकते हो इसमें आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आपको रेड ग्रीन फॉर्मेट में ट्रेड करने हैं तो ये सारे स्टॉक्स इसमें आपको फॉर्मेट अभी आपका होता है रेड ग्रीन डॉट सिंपल फॉर्मेट जब भी प्राइजेस ट्वेंटी थर्टी मिनट्स के लिए ग्रीन डॉट्स पे सस्टेन करती है जैसे मैंने अभी एक चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर की है जो वीडियो की लिंक है रेड ग्रीन डॉट्स वो आप बाद में चेक कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी दे आर अवेलेबल तो दैट कैन ऑल्सो भी चेक मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट आप ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हो डायरेक्टली जो मास्टर वीडियो के जिसमें स्ट्रेट अवे आपको शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन की गई है कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो ट्रेड फ्लू के चार्ट के साथ ग्रीन डॉट्स के साथ सस्टेन करता है ब्रेकआउट आता है क्लियर कट अपसाइड तो इट कैन बी यूज फॉर स्टॉक्स बट मेजरली इट इज यूज फॉर इंडेक्स तो इंडेक्स में बहुत अच्छा चल जाता है स्टॉक्स में नो डाउट यू कैन वर्क ऑन इट स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो ग्रीन डॉट्स है रेड डॉट्स है जब ये रेड डॉट्स अपोजिट साइड पे कॉन्ट्रामेट निकल जाते तो दीज आर गुड फॉर स्कैप्रेडिंग मैगडो में भी आप देख सकते हो ग्रीन डॉट्स के साथ सस्टेन करता है फिर एक बार वन वे अपवर्ड तो रेड डॉट्स डॉट्स ग्रीन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ट्रेड रेड बॉक्स है कॉल लेवल है सो so, जब आपको ऐसे जब पैटर्न मिलते हैं तो ऑल दिस थिंग्स आर एक्सप्लेन टू यू इन देबिनार इट सेल्फ और उसी फॉर्मेट में आपको प्रीमियम ग्रुप में इंडेक्स के लिए वेबिनार होता है निफ्टी बैंक निफ्टी अलॉन्ग स्टॉक्स एज वेल तो ये सारे आपके लाइव सेशन में डिस्कस किए जाते हैं और देखो मार्केट शुरू होने के पहले दो तीन स्टॉक्स मिल ही जाते हैं आपको इवन इफ यू आर गुड विद योर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग यू कैन अंडरस्टैंड एज एज पर दिस वेल सो वर द स्टॉक्स फॉर एंड कोफोर्स परफेक्ट ऑन टारगेट जैसे आप देख सकते हो रेड बॉक्स के साथ विप्रो वॉज अ स्टॉप लॉस नो डाउट सो ऑलवेज अंडरस्टैंड एवरी डे आपको प्रॉफिट नहीं होगा यू हैव टू गिव सर्टन स्मॉल स्टॉप लॉसिज विप्रो के फेवर में ओनली हाफ अ परसेंट वॉज द स्टॉप लॉस सो इट इज फेयर इनफ क्योंकि आपका अगर आप लास्ट के अगर सारे वीडियोस आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अप मूव सो एक दो तीन स्टॉप लॉस इज सो ट्रेडर हमेशा एक क्वाड्रेंट को फॉलो करो कि देर आर फोर सीनेरियोज कैन करियर एक होता है आपका बिग प्रॉफिट राइट एक होगा आपका बिग लॉस एक होगा आपका स्मॉल प्रॉफिट एंड एक होगा आपका स्मॉल लॉस ओके तो बेसिकली यू नीड टू एज अ ट्रेडर ऑलवेज वर्क ऑन योर सेल्फ कि बिग प्रॉफिट को प्लान करें स्मॉल प्रॉफिट इज ऑल्सो फाइन या स्मॉल लॉस ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट दिस फैक्टर बिग लॉस क्योंकि बिग लॉस जहाँ पे आप प्लान करोगे मतलब आपकी माइंड सेट इज नॉट क्लियर सो ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड विद अ प्रॉपर रिस्क आपको एज अ टाइम जब भी आप एंटर करते हो कोई भी ट्रेड में यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका यहाँ पे रिस्क कितना है अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल एट थ्री एटी फोर पॉइंट फाइव तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी कितनी अमाउंट की लॉस होने वाली है सो ऑलवेज ट्राई टू नो कि आपको फिगर पता होना चाहिए कि मेरा कितने का लॉस होने वाला है

समझो ये जब तक ऑलरेडी यहाँ पेलर यहाँ, पे यहाँ पे ट्रैप हो गए गुड अपसाइड तो जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता क्योंकि दीज आर सेलर देर आर प्रेजेंट ये अगर स्टक हो गए और यहाँ पे फिर एक बार कंफर्मेशन दे दिया और ग्लोबल सीनारियो थोड़े पॉजिटिव टर्न आउट हो गए तो नो डाउट इट कैन स्ट्रेट अवे कम बैक टू

दिवाली के बाद या बिफोर द दिवाली एक वन वीक है वो पे थोड़ी बहुत मूवमेंट आ सकती है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट गोइंग अच्छा रिवर्सल प्लान हो सकता है ये एक बार सेलिंग निकल गई तो और एक बार शॉर्ट अप हो जाएगा ऑलरेडी यहाँ पे अगर डाउन साइड आ जाए तो बाद में डाउन साइड प्लान कर सकते हैं तो लेट्स होप कि कैसे फॉर्मेट बनता है फिर यहाँ में कब तक आपको विद इन द डे अगर आपको ट्रेड करना है तो फोकस ऑन रेड एंड ग्रीन डॉट्स

how to get trial of this software yeah if you wish to take a trial version of this software uh, you can directly register over here so this link is provided uh, sorry

अपडेट्स मिलेंगे फॉर वेबिनार्स है वो भी आप देख सकते हो एंड ऑबली यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली सो संदीप खान इफ यू वॉन्ट टू जॉइन एस प्रीमियम प्लीज यूज दिस लिंक टू गो थ्रू विध ये एंड यू कैन कनेक्ट और एल्स जो भी आपको क्वेरीज है रिगार्डिंग ट्रेड क्लू प्रीमियम क्या क्या सर्विस uh, हैं क्या क्या uh, बेसिकली uh, बताया जाता है तो यू कैन प्लीज कनेक्ट ऑन दिस नंबर व्हाट्सएप करो या कॉल करो कॉलिंग टाइम इज बिटवीन नाइन टू सिक्स पी एम सो यू कैन कनेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर एज वेर आईव शेयर इट विद यू इन दैट बॉक्स वेल

सर so, uh, आप कितनेसोलीट के, के बाद ट्रेड करते हैं लेकिन जब आप ग्रुप में करते हैं तो ट्रेड सब उसमें विदाउट कंसोलिडेट के टारगेट सो so, अगर आपने ब्रेकआउट uh, ट्रेडिंग का वीडियो देखा होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड देखो ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको कैसी करनी होती है वो एक मैं क्विक आपको रिव्यू देता हूँ सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ब्रेकआउट लेवल ओके और यहाँ पे आपका रेड बॉक्स है ठीक है एग्जाम्पल so so, so सो विप्रो इज थ्री एटी फोर का यहाँ पेट लेवल है नाव फॉर एग्जाम्पल इफ यू इफ माई फर्स्ट ग्रीन कैंडल टेक्स आउट दिस ब्रेकआउट कैंडल मतलब यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बन जाती है आपकी और ये आपका ब्रेकआउट कैंडल का हाई है ठीक है नाउ इन केस ऑफ विप्रो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल हाई बन गई जब ये ब्रेकआउट कैंडल की हाई ब्रेक होगी तब बेसिकली आपका ट्रेड इनिशिएट होता है ठीक है अभी तीन केसेस रहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के एक होगा केस केस वन क्या होता है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी आपकी रेड बॉक्स के ऊपर फिर आपका और एक हाई बन जाता है और एक ग्रीन कैंडल बनती है और एक और एक और एक, एक डायरेक्टली वन वे रॉकेट चले जाएगा अभी रॉकेट सीनारियो में एक क्या दिक्कत आती है कि यहाँ से यह आपका रॉकेट घूम के फिर से एस एल लेने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है ठीक है तो ये हो गया आपके एक सीनारियो दूसरा सीनारियो ये होता है कि आपका ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया फिर आपको यहाँ पे एक कंसल्टेशन मिलेगा फिर जब नया हाई लगेगा तो बेसिकली तो एज अ नोविस ट्रेडर अगर आप नए ट्रेडर हो फर्स्ट टाइम ट्रेडर हो मार्केट्स की कुछ जानकारी नहीं है नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ऑलवेज गो फॉर दिस पैटर्न अगर आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है पता है मार्केट कैसा चलता है रिस्क क्या रहता है रिवॉर्ड क्या रहता है तो यू कैन गो विद दिस पैटर्न अभी इस पैटर्न में क्या दिक्कत है समझो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग स्टॉक्स आप अगर समझो हंड्रेड क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो ऑलवेज ट्राई टू स्प्लिट योर क्वांटिटी नेवर गो एंड पुट ऑल योर क्वांटिटी इन वन गो वाई बिकॉज ऑलवेज ट्राई टू स्प्लिट पिरामिड करो तो फर्स्ट केस सिनेरियो में यू कैन डू थर्टी सेवेंटी का रूल यूजली वी फॉलो थर्टी सेवेंटी का रूल आपने अगर डिटेल वेबिनार हमारे देखोगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के शॉर्ट वीडियोस वीडियो देखोगे वी हैव एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट तो थर्टी सेवेंटी मतलब थर्टी क्वांटिटी मैंने फर्स्ट शॉर्ट में ट्रेड किया पुल बैक आता है तो मैंने बाकी की सेवेंटी क्वांटिटी एड कर दी पुल बैक क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाएगा यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होता है ब्रेकआउट कैंडल का लो ही स्टॉप लॉस होगा बेसिकली तो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लेगा तो सिर्फ थर्टी क्वांटिटी का लेगा ही अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लेगा तो सारी क्वांटिटी का लेगा बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिटिंग प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो क्योंकि यहाँ पे एक बार पुल बैक आया तो स्टेट अवे इट हैज हाई प्रोबेबिलिटी टू गो ऑन दी अपसाइड तो यही चीज अगर आप एक्सप्लेन समझ सकते हो तो विप्रो में आज समझो कि विप्रो में इफ यू सी अंडरस्टैंड यहाँ पे आपका अगर समझो ये लेवल है एंड दिस वी हैव टू चेक ऑन मिनट मिनट टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम सो पे भी स्विच ऑन अभी यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट कैंडल इट स्टार्ट ब्रेकिंग यहाँ पे आपका ब्रेकआउट कैंडल होता है ठीक है अभी यहाँ पे आपकी ब्रेकआउट कैंडल की हाई ब्रेक हो गई अगर यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया और आपको पता है यहाँ पे ग्रीन डॉट्स है तो दिस लेवल जोन ग्रीन डॉट्स के नीचे विल बी एक्टिंग एज योर स्टॉप स्टॉप लॉस फॉर योर फर्स्ट क्वांटिटी फिर आता है फिर पुल बैक आता है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बच गया फेर इनफ यहाँ पे और कॉन्फिडेंस आता है कि चलो यहाँ पे पुल बैक आ गया प्रोबेबिलिटी गेम सो आपने क्वांटिटी एड कर दी क्वांटिटी अगर आप यहाँ पे ऐड भी करते हो तो यहाँ पे आपका फिर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अभी क्या होगा अगर यहाँ पे आपने एग्जिट नहीं दिया तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू विल गेट अगर स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया फोर क्वार्रेड ऑलवेज ट्राई टू अवॉर्ड दैट बिगर स्टॉप लॉस सो क्वांटिटी आप स्प्लिट करो तो ही आपको फायदा है। डायरेक्टली अगर अगर वन शॉट में ऐड तो वेट फॉर अ एंड अभी एस एसएल भी होता है तो कितना का एस एल right? करते हो इस लेवल से सो हार्डली जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जीरो का हम स्ट्रेट समझते हैं

चार्ट पैटर्न समझोगे उतनी आपको ये लेवल्स और भी हेल्प आउट करेंगे तो जस्ट ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो गया अभी यही फॉर्मेट के साथ अगर आप समझो कि इसमें मेरे वहां पे एसएल एस एल्फ परसेंट इसमें मेरा जीरो पॉइंट एट परसेंट क्या एस है तो इसमें ऑब्वियसली इट हैज गॉन इन माय फेवर सो एवरीथिंग विल बी इन सिंग जस्ट आपको वेट करना है कि आपका ब्रेकआउट लेवल कब है सेम चीज अगर आप कोफोर्ज में देखोगे तो कोफोर्ज में क्या हो गया यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल आता है अभी आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल बोलते हैं क्योंकि इसने हाई को ब्रेक किया इसने ऊपर जाने के डोर्स ओपन कर दिया अभी अगर आपको पता है फिफ्टी थर्टी एट फिफ्टी थर्टी नाइन इज लेवल तो नेक्स्ट टाइम जब ये यह लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा दैट इज एट दिस पर्टिकुलर कैंडल तो इट विल स्टेट ट्रिगर योर एंट्री प्राइस एस एल एम ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं उसके बाद कहाँ पे भी जाना है जाने दो ऑब्वियसली उसके बाद ऑटो ऑफ टाइम तक ही आप उसके पहले ही ब्रेक एग्जिट कर दो क्योंकि नहीं तो पेनल्टी पड़ जाती है ऑटो स्कोर ऑफ की और जैसे एस एल जैसे आपके रेड बॉक्स के नीचे होते सो दिस विल बी योर जोन क्योंकि देखो ये एक आपका पुल बैक है तो ये आपका पुल बैक का छोटा एस एल रहेगा इसके फेवर में तो ऑलवेज ट्राई टू लुक फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे आज मैंने ट्रेड ट्रेड किया तो तो मैं 3 ही मैं ही लेके जाऊंगा के के लिए है तो है आपको रिस्क हिसाब से ट्रेड करना होता का अगर रिस्क दे रहे हो और उसके फेवर में आपको थर्टी टू पॉइंट मिल रहे तो इट इज स्टिल अ गुड डील दैट इज ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी ट्रेड फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड फंड तभी जाके आपको वो मंथ ऑन मंथ रिटर्न होते हैं या जो

hello sir uh, i've demo and i want to be part of this but i have a query the chat is showing difference yeah see uh, demo as a demo subscriber you won't be getting the live chats obviously because bots are a uh, forgery or a fraud ids be they trying to replicate their ids and everything so we have stopped giving live data to the demo ids but obviously you are getting all the analysis all the things everything so this was my demo id which you can check

ब्रेकआउट कैंडल की आपको क्लोज करनी क्लोजिंग के लिए वेट करना होता है लारेब जी सो so क्लोज होने दीजिए फिर जब वो हाई ब्रेक करेगा दैट टाइम योर ट्रेड विल ट्रिगर आई विल ट्राई टू शेयर द ब्रेकआउट थिंग का लिंक एज वेल सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो इट मोर इनसाइट्स आपको मिलेंगे इन डिटेल आपको जानना है तो मेक श्योर यू कनेक्ट विद सपोर्ट टीम आपको कॉल पे एनी डेस्क पे प्रॉपरली समझा देंगे कि हाउ टू गेट दिस डन एज वेल तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी can we add some scanner strategy? Uh, manual scanners are not available shweta currently, uh, at least. Uh, no, you please, uh, sunil, you please uh, cross-check with the zeroda or this thing uh, with the fire start. and also, if you are a demo user, then uh, live chats won't be available. Uh, so please check once. or else, connect with our support team. we'll try to understand your query in detail. गो साइडवेज ये स्विंग ट्रेड के लिए थिंग इन आर यस्टरडे विदियम यूजर्स रेकॉर्डिंग प्रोवाइडेड बट ऑब्वियसली फ्यूचर रेकॉर्डिंग यूट्यूब पे फ्रीली नहीं मिलेगी बट फॉर दैट यू कैन

एक प्रॉपर एसएल भी डिस्कस रहे थे एंड अलोंग विद मैकडोल एंड का प्रॉफिट वाला ट्रेड भी डिस्कस करे तो एटलीस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ वेन एवर यू ट्रेड की आपको एस एल भी क्यों नेसेसरी होता है ट्रेड करना या एग्जिट करना और अकॉर्डिंगली आपको कैसे आप बाकी बिग लॉसेज से बच सकते हो तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोर क्वार ट्रेडिंग एंड ट्रेड अकॉर्डिंगलीके दे ट्राई टू कनेक्ट टूमोरोटू विद द मीटिंग लिंक ये मोबाइल एप्लीकेशन इज अंडर डेवलपमेंट Currently, you can use Trade Clue directly on the web version of Google Chrome Pay link Dal DJ. You will get the uh, basically the access. So you can use it currently on mobile. It will be opening on directly on the Google Chrome browser. Okay, then we'll wind up with today's session. For any queries, please contact the support team so we can come ahead and call you as well. Connect in person. Till then, stay connected. Thank you.